नसीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानबाजी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सिविल लाइन्स थाने पर प्रदर्शन कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। राष्ट्रीय परशुराम सेना के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में प्रयागराज पुलिस से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजे जाने व कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाने पर प्रदर्शन के दौरान नाराज ब्राह्मण समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से ब्राह्मणों समेत समूचे सनातन धर्मियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके इस कदम से समाज में भेदभाव फैल रहा है, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। विमल तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेवा। हम लोग आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार विगत कई वर्षों से, कह सकते हैं विगत कई माहों से, केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, कभी वो हिंदू धर्म ग्रंथ, और हर समय वो ब्राह्मणवाद की बातें करता कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकने की बात करता, लगातार वो ब्राह्मणों को उल्टा सीधा अनर्गल प्रलाप बकता रहता है। उसी के विरोध में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आज राष्ट्रीय परशुराम सेना सिविल लाइन्स थाने में आई है। और मैं मीडिया के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मौर्य लगा हुआ है। एक ब्राह्मण चाणक्य ने ही जब नंदवंश का नाश किया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ही मौर्य नाम सरनेम में चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। और अगर वो ब्राह्मण की जड़ की समाप्ति की बात करते हैं तो ब्राह्मण जिस दिन इस धरती से समाप्त होगा तो भारत का इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण को कहाँ कहाँ से निकालेंगे? ब्राह्मण को इतिहास से निकालेंगे कि ब्राह्मण को इस भूगोल से निकालेंगे कि ब्राह्मण को यहाँ के विज्ञान से निकालेंगे? इस देश से आज़ादी से लेकर के आज तक ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है, ब्राह्मणों ने हर कार्य किया है, तो ब्राह्मणों के निकालना उनके बस की बात नहीं है, ये उनके लिए अंतिम चेतावनी है। अगर वो सुधरते नहीं है तो ब्राह्मण अब कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। आपने तहरीर देके मुकदमा करने की बात की? बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे तहरीर दिया है FIR दर्ज करने के लिए। अगर हमारा FIR दर्ज नहीं होती इसके बाद हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना, ब्रह्मवाणी।